हनुमान जी की जय। हनुमान महाराज की जय। हे हनुमान जी, आप अपनी कृपा दृष्टि सब पर बनाए रखना। हनुमान जी के मंदिर में एक साहूकारनी रोज जाया करती थी, चूरमे की पिंडी और एक रोटी लेकर जाती और कहती, कांधे सोटो लाल लंगोटा, हनुमान जी खायो चूरमा और रोटी। मैंने तुम्हें दिया जवानी में, तुम मुझे देना बुढ़ापे में। पूजा करने के बाद घर आ गई। बहू बोली, सासू जी चूरमा रोटी लेकर कहाँ जाया करती हो? सासू बोली, बेटी मैं तो हनुमान के मंदिर में जाती हूँ और भगवान को चूरमा और रोटी खिलाती हूँ। बहू बोली, ना सासू, मंदिर में तो ना जाती, कहीं और ही जाती होगी। सास ने कोई जवाब ना आया, ना ही सास कुछ बोली और ना ही खाना खाया, चुपचाप जाकर सो गई। 5 दिन हो गए सोते सोते तो हनुमान जी सपने में आए। बोले, तूने तो मुझे दिया जवानी में, मैं तुझे दे बुढ़ापे में। बुढ़िया बोली, आज तो तुम दे रहे हो, रोज कौन देगा? हनुमान जी बोले, मैं रोज दूंगा। बुढ़िया ने चूरमा खा लिया। बहू के घर में कुछ भी नहीं रहा। हर रोज वह दिन दिन वह निर्धन होते गए। एक दिन उसपे बहुत घाटा हुआ और वह परेशान होने लगे। बहू ने सोचा, सासू को जाकर देखूं तो सही, 7 दिन हो गए, मैंने तो ना तो पानी के लिए पूछा और ना खाने के लिए पूछा, जाकर देखूं तो सही, मर गई क्या जिंदा है। बहू कमरे में गई सास के पास तो देखा सास बहुत मोटी हो रही है। बहू बोली, सासू जी मैंने तो आपको ना खाने को दिया ना पीने को दिया, तो फिर आप क्या खाती हो, बहुत मोटी हो रही हो। सास बोली, बहू मैंने तो हनुमान जी मीठा मीठा चूरमा और रोटी देकर जाते हैं, मैं तो वही खा लूं। बहू बोली, सासू जी मुझसे गलती हो गई, और ऐसा कहकर सास के पैरों में गिर गई। बोली, हम तो तुम्हारे भाग का ही खाते थे, हमारे तो घर में कुछ भी नहीं रहा, अब अपने घर को आप ही संभालो। सासू जी फिर से रोज चूरमा और रोटी मंदिर में चढ़ाने लग गई। खूब दान हो गया। जैसे हनुमान जी सास पर टूटे वैसे सब पर टूटना, जैसे बहू पर टूटे वैसे किसी पर भी ना टूटना। कहते सुनते हुंकारा भरते, हे सबको का बेड़ा पार करना, हनुमान जी महाराज की जय। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से सब्सक्राइब करने से ही मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। दोस्तों, आप मेरा इतना अच्छा साथ देते हैं, आप लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। दोस्तों, ऐसे ही मेरे साथ धार्मिक कहानियों के साथ बने रहिए, और जो भी मुझसे कहीं पर भी कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना, और मुझे कमेंट सेशन में लिख कर जरूर बताना कि कहीं मुझसे गलती हुई है तो मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी। दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि तभी तो मेरी हर रोज एक नई कहानी आपके सामने आएगी। थैंक्स, मुझे सुनने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद।